आ गई कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है साइकिल पत्रिका से। कहानी का शीर्षक है अनवर और लेखक हैं प्रभात। मार्ट साहब छुट्टी दे दो, बच्चे ने दोनों हाथों को मलते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा। छुट्टी क्यों चाहिए अनवर तुझे? मास्टर जी ने मस्खरी करते हुए पूछा। मार्ट साहब बकरी के बच्चे हुए हैं, घर पर कोई है नहीं। सूनी छोड़ेंगे तो बकरी के बच्चों को कुत्ते खा जाएंगे मार्ट साहब जी, इसलिए छुट्टी दे दो। गफूर नहीं है घर पर? है, लेकिन घर पर टिकते नहीं साहब जी। और तेरी अम्मा? अम्मा ने ही कही है मार्ट साहब जी कि अनवर छुट्टी लेके आ जाना, नहीं तो अपनी बकरी के बच्चों को कुत्ते खा जाएंगे। हमको छुट्टी की कोई शौक थोड़ी आती है साहब जी, काम है इसलिए तो आपसे कह रहे हैं। तो मैं जाऊं? तू जा, मास्टर जी ने कहा। साहब मैं भी जाऊं, रामकेश ने कहा। तू क्यों? मास्टर जी ने पूछा। हमारे बैल के बच्चे हुए हैं साहब, रामकेश ने कहा तो सारे बच्चे हंसने लगे। रामकेश ने बच्चों को झिड़कते हुए कहा, तुमको मालूम नहीं है मेरे और मास्टर जी के बीच बात चल रही है, क्यों बिना बात दांत निकाल रहे हो? ये सही बात पर हंस रहे हैं बेटा, तू बैठ जा, मास्टर रामविलास जी ने कहा और मंद मंद मुस्काने लगे। रामकेश बेमन से बैठते हुए सोच रहा था। अनवर ने कही थी जैसे मैं छुट्टी मांगू ऐसे ही तू भी मांग लेना, मगर तू बकरी की जगह कुछ और नाम ले लेना, फिर हम दोनों बकरी के बच्चों के साथ खेलेंगे। रामकेश कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर हाथ मलते हुए हाथ जोड़कर बोला, हमको छुट्टी की कोई शौक थोड़ी आती है साहब जी, काम है इसलिए तो आपसे कह रहे हैं। तो मैं जाऊं? शांति के साथ बैठकर काम कर बेटा, छुट्टी नहीं मिलेगी, रामविलास जी ने कहा। रामकेश ने अपना टाट उठाया, शांति के पास जाकर टाट बिछा लिया। उसके मन में बहुत अशांति थी। वो सोच रहा था, अनवर घर पर कितने मजे कर रहा होगा। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।